Hello everyone, welcome back to my YouTube channel on Abbas Cricket Gallery. Guys, आज की वीडियो फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू. एक्चुअली बात यह है कि मेरी अपनी अकेडमी में बहुत सारे बैटर्स ऐसे हैं कि जो कि फ्रंट फुट पर खेलते हुए बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं. जब वो मिस्टेक्स करते हैं तो उनका वेट ट्रांसफ़र नहीं होता, और जब वेट ट्रांसफ़र नहीं होता तो शॉट के अंदर जो पावर होती है वो पावर नहीं आ पाती. तो हमने इस चीज़ को ओवरकम कैसे करना है, ये इसको हमने परफेक्ट कैसे बनाना है, ये वीडियो मैं इसलिए बनाने जा रहा हूँ. और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपना फ्रंट फुट प्लांट कैसे करना है, और अपना वेट ट्रांसफ़र कैसे करना है, और शॉट के ऊपर जो पावर है वो किस तरह से हासिल करनी है. और इसको मैं आपको ड्रिल करके भी दिखाऊँगा कि ड्रिल करके आपने किस तरह से इस चीज़ को परफेक्ट बनाना है. तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. सो गाइज, तीन किस्म की ऐसी मिस्टेक्स हैं जो बैटर्स फ्रंट फुट पर जाकर करते हैं, जिसकी वजह से वो फ्रंट फुट पर खेलते हुए अनकंफर्टेबल फील करते हैं. तीन किस्म की मिस्टेक्स हैं, मैं आपको इनमें वन बाई वन करके तीनों मिस्टेक्स बताऊंगा, और एंड में आपको बताऊंगा कि इनका सोल्यूशन क्या है और आप क्या ड्रिल करके इसको परफेक्ट कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक बहुत ज़्यादा क्रूशल है. क्रूशल इसलिए ऐसे है कि उसकी वजह से बैट्समैन का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, वेट का ट्रांसफ़र. तो मिस्टेक ये है कि जब भी हम फ्रंट फुट पर खेलने के लिए जाते हैं तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ बॉल के इनसाइड पे जो चीज़ लैंड होती है वो हमारा टो है. बहुत सारे बैटर्स क्या करते हैं कि जब फ्रंट फुट पर जाते हैं खेलने के लिए तो डायरेक्टली अपने पंजे के ऊपर वेट डाल देते हैं सारा. जब आप पंजे के ऊपर वेट डालते हैं तो उसकी वजह से आपकी अपर बॉडी जो है वो पीछे रहने के चांसेस होते हैं. आप यहाँ पर स्टिफ हो जाते हो, लॉक हो जाते हो. जब आप डायरेक्टली पंजे के ऊपर लैंड करोगे तो उस वक्त जब आप बॉल को खेलने के लिए आओगे तो उसमें बहुत सारी ये पॉसिबिलिटीज हैं कि आपका हेड जो है वो आपके आपकी नीज के आगे चला जाए, या जहां पर आप बॉल को खेलना चाहते हैं उससे आगे चला जाए. अगर आपका हेड आगे चला जाएगा तो क्या होगा कि आपका बैलेंस जो है वो फॉल हो जाएगा, और आपकी जो बैक फुट की जो पोजिशन है, आपका बैक फुट भी, अगर आपका हेड आगे जाएगा तो बैक फुट ऊपर हवा में उठने के चांसेस होंगे, क्योंकि जहां पर आपका हेड जाएगा आपकी बॉडी भी उसी तरफ रिएक्ट करेगी. तो इसमें कभी भी आपने डायरेक्टली पंजे के ऊपर नहीं आना. इसके बाद जो दूसरी मिस्टेक है वो ये करते हैं कि जब भी फ्रंट फुट के बॉल को खेलने के लिए जाते हैं तो बिगनर्स लेवल पर जो बैट्समैन होते हैं उनका जो फ्रंट फुट है वो कुछ इस डायरेक्शन में जाता है. मीन्स के जो उनका फ्रंट फुट का जो टो है वो ऑलवेज कवर की साइड पर रहता है. कवर की साइड पर रहने की वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि उनके बैट एंड पैड में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है. फॉर एग्जांपल ये देखें, मेरा जो फ्रंट का जो टो है फ्रंट फुट का वो अगर कवर की तरफ है तो इस चीज़ में बैट एंड पैड में गैप बन चुका है, ठीक है. लेकिन इसको ख़त्म कैसे करना है, इसको ठीक कैसे करना है, सिंपल सा काम है कि आप अपना टो को जब सीधा करेंगे, अगर आपका फ्रंट फुट ऐसे लैंड होगा सीधा बॉल की डायरेक्शन में, टो अगर बॉल की डायरेक्शन में होगा तो बैट ऑटोमेटिकली पैड्स के साथ आएगा और बैट एंड पैड का जो गैप है वो खत्म हो जाएगा. तो सेकंड मिस्टेक ये है, इस तरह से आपने इसको कवर करना है. ऑलवेज आपने अपना जो फ्रंट फुट का टो है वो बॉल की डायरेक्शन में लेकर जाना है. जिस तरफ बॉल है, बॉल की लाइन है, बॉल की लाइन में ही आपका फ्रंट फुट प्लांट होगा और आपका जो टो है वो उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आप खेलना चाह रहे हैं. नंबर थ्री ये मिस्टेक है कि बहुत सारे बैट्समैन क्या करते हैं कि डायरेक्टली जब वो फ्रंट फुट पर जाते हैं तो जंप करके जाते हैं लाइक दैट. ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है. जंप कर जाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो स्मूथनेस है फुटवर्क में वो नहीं रह पाएगी, और आप जब जितना ज़्यादा ऊपर से जंप करके आएंगे, ज़्यादा ऊपर से टांग अगर आपकी आएगी तो उसमें क्या होगा कि आपका हेड पोजीशन जो है वो हिलेगी. आप हिलजुल कर जब आप जाएंगे आपकी आइज लेवल टिल्ट होंगी, हेड पोजीशन हिलेगी, तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम होगी बॉल के ऊपर जाके. अब जब अचानक से आप जंप करेंगे, अचानक से आपका लैंडिंग होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी बॉल के ऊपर पहुँचने में और अपने आप को बैलेंस करने में. तो ये तीन किस्म की मिस्टेक्स हैं, ये आपने कभी भी बैटिंग के दौरान नहीं करनी, कभी भी फ्रंट फुट पर खेलने के दौरान आपने नहीं करनी. तो इसका सोल्यूशन क्या है,
अब मैं आपको बताता हूँ कि परफेक्ट किस तरह से बनाना है आपने, एक्चुअली हमने इसको खेलना किस तरह से है। तो ये जैसा कि मैंने तीन बॉल्स लगाई हुई हैं, ये तकरीबन मिडॉन पर मिडॉन की लाइन में है ये बॉल, और ये मिड ऑफ और मिडल स्टंप की लाइन में है, और ये जो बॉल है ये कवर की डायरेक्शन में है। तो इनको मैं वन बाई वन खेलूंगा। तो इसमें हाँ जी, सबसे पहले हमने जो चीज़ मेक श्योर करनी है वो ये है कि जब हम फ्रंट फुट पर जाएंगे तो उस वक्त हमारी जो लैंडिंग है फ्रंट फुट की वो ऑलवेज हमारी हील के ऊपर आएगी, लाइक दैट। सबसे पहले जो मेरी चीज़ लैंड होगी जमीन के ऊपर वो मेरी हील है, हील लैंड होगी, और उसके बाद मेरा वेट ट्रांसफर होगा और मेरे बैक लिफ्ट ऊपर आएगी और हेड बॉल के ऊपर आएगा। तो यहाँ से मेरा एक अच्छा बैलेंस बन पाएगा। और इसमें जो एक और चीज़ है वेट ट्रांसफर करने के लिए, उसमें जो मेरा बैक फुट है उसका जो टो है वो ज़मीन के साथ रहेगा और मेरी हील थोड़ी सी लिफ्ट होकर रहेगी ज़मीन से, ताकि मुझे मेरी बॉडी अलाउ करे वेट ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। तो ये परफेक्ट तरीका है, एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले जो चीज़ लैंड हो रही है वो मेरी हील है, हील मेरी सबसे पहले लैंड होगी और उसके साथ फिर मेरा हेड ऊपर आएगा और मेरी बैक लिफ्ट डाउन स्विंग नीचे आएगी बॉल के ऊपर, लाइक दैट। ये मेरा एक परफेक्ट फ्रंट फुट डिफेंस रहेगा, यह चीज। इस चीज को आपने, इसको ठीक करने के लिए आप ये ड्रिल कर सकते हैं, कॉर्न्स लगाकर आप ऐसा से हैं स्मूथली, बिल्कुल स्मूथली अपना स्टांस लें, विजुअलाइज करें और स्मूथली अपना फ्रंट फुट निकालें कोन के इनसाइड पे। सो ये एक बड़ी जबरदस्त ड्रिल है। इसके अलावा मैं अभी आपको एक ड्रिल बताता हूं वेट ट्रांसफर के लिए, और अगर आप पंजे के ऊपर डायरेक्टली लैंड करते हो तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा ये ड्रिल हेल्प करेगी जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। सो गाइज, अभी जो मैं आपको ड्रिल बताने जा रहा हूं, इसमें आपने क्या करना है कि आपका पार्टनर, आपका कोच आपको अंडर आर्म्स बॉल फीड करेगा आपकी फ्रंट फुट की रीच में, आपके फ्रंट फुट के पास पास बिल्कुल, और आपने ये पोजीशन बनानी है। आपका बैक फुट कंप्लीटली वो ज़मीन के साथ रहेगा और आपका जो फ्रंट फुट है इसका जो टो है ये टो ऊपर की तरफ लिफ्ट होकर रहेगा, आपकी हील ज़मीन के साथ रहेगी और आपकी जो हेड पोजीशन है वो हल्की सी आगे रहेगी और शोल्डर भी हल्का सा आप नीचे इसको डिप करके रखेंगे। तो इस पोजीशन में आपने रहना है और आपको जब फ्रंट फुट पे आपको आपका पार्टनर बॉल फीड करेगा तो आपने बॉल को आखिर तक देखना है, वाच करना है आखिर तक, और आपकी बैक लिफ्ट यहाँ पे ऊपर रहेगी और आपने आखिर तक बॉल को वाच करके कोशिश करना है कि लेट खेलना है, जितना हो सके बॉल को लेट खेलना है आपने। गाइज, मैंने आज आपको बताया कि आपने फ्रंट फुट के ऊपर किस तरह से खेलना है, अपनी मिस्टेक्स को किस तरह से कवर करना है। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो समझ आई होगी और आपको जो मैंने ड्रिल्स बताई हैं आपको ये ड्रिल्स भी पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।